हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड विद ऑयन। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे चैनल में 6000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। मैं हर एक सब्सक्राइबर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ दिल से, जो हम लोग के ये छोटे से फैमिली के साथ आप लोग जुड़े, काफ़ी अच्छा लगा। इसी तरह प्यार देते रहिए, हम लोग भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे आप लोग के लिए। आज जिस बारे में मैं बात करूंगा वो है मेरा जो पिछला वीडियो आप लोग देखे जो साइलेंसर के बारे में था, वो साइलेंसर का आज प्रॉपर रिव्यू है। क्या वाकई में कुछ परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है या नहीं, मुझे भी नहीं लगता है कि क्या है रिजल्ट, क्या है आप लोग के सामने ही होगा कुछ देर में। सबसे पहली बात, ये जो साइलेंसर का आवाज़ थोड़ा लाउड है पिछले वाला जो स्टॉक साइलेंसर था उससे। ये साइलेंसर का खास बात ये है कि ये आवाज़ थोड़ा ज़्यादा ही करता है और काफ़ी मतलब साउंड में इम्प्रूव आया है। वाइब्रेशन में उतना इम्प्रूव नहीं आया जितना मैं सोच रहा था। अभी मेरा जो बाइक है अभी 70 से 80 तक चलेगा, तो देखो वाइब्रेशन एकदम नॉर्मल है। ये पहले वाला में भी होता था, अभी भी हो रहा है। अभी मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लगा जब मैं ये एक्सीलेटर को दबा रहा हूँ ना, तब थोड़ा सा पावर मुझे ज़्यादा महसूस हुआ, मगर थोड़ा सा। पता नहीं ये एक दिन की बात है या बहुत दिन तक चलेगा, ये मुझे मालूम नहीं। अभी मैं जस्ट इसे इंस्टॉल करने के बाद जो वीडियो डाला उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग के सामने ही है। अभी देखो 80 से 90 तक जाना है, वाइब्रेशन स्टिल हो रहा है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मुझे लग रहा है, बस थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है मगर उतना ज्यादा नहीं है। ये देखो 100 तक छूना है, चलो हाँ बस इम्प्रूवमेंट तो है। इम्प्रूवमेंट है जब आप स्पीड में चला रहे हो 80 से 90 तक, 90 से 100 तक, तब आपको इम्प्रूवमेंट महसूस हो जाएगा। मगर मुझे क्या है, मुझे 80 के अंदर ही चलाना अच्छा लगता है, तो मैं 80 से 90 तक बेस्ट मानता हूँ मेरे राइडिंग का स्पीड। उससे ज़्यादा मुझे जाना भी नहीं है, मुझे ये बाइक लॉन्ग टूर के लिए यूज़ करना है, तो मुझे नहीं मालूम इसका माइलेज ख़राब हो जाएगा या वैसे ही रहेगा। मतलब ये जो साइलेंसर मैंने चेंज किया ना, इसमें और एक चीज़ देखना है, पावर तो थोड़ा आ गया। जब आप मतलब पहले वाला साइलेंसर में क्या होता था, जब आप 80 से 90 तक जाओगे तब आपको महसूस होगा कि कुछ पावर लेस हो रहा है। अभी जब ये साइलेंसर लगाया तो मुझे मालूम चल रहा है कि 80 से 90 तक मक्खन जैसा चल रहा है। ये देखो 80, ये मक्खन। काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी 100 तक छू गया है। मतलब आज तक मैंने वो साइलेंसर पे 100 तक नहीं छू पाया, बहुत मुश्किल था, मगर देखते हैं कितना स्पीड पे जाता है।
वाइब्रेशन हो रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ। मेन अभी बात मुझे जो लगा वो है इसका माइलेज इफेक्ट हो रहा है या नहीं, वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा जो पहले वाला स्टॉक साइलेंसर था उसमें काफ़ी अच्छा माइलेज मिलता था। अभी मैं इसे चलाऊंगा, अगर माइलेज सही लगा कि माइलेज सही चल रहा है तो फिर ओके, अगर नहीं चल रहा है मतलब माइलेज सही से नहीं दे रहा है तो इसे मैं फिर से बदल लूँगा। अभी ये वीडियो है पूरा साइलेंसर के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये साइलेंसर के बारे में थोड़ा और रुक जाइए, मैं माइलेज प्रॉपर टेस्ट करूँगा, उसके बाद ही मैं बोल पाऊँगा कि ये साइलेंसर लगाने के बाद क्या आपका माइलेज घटता है या सेम रहता है। क्योंकि जो स्टॉक साइलेंसर था उसमें काफ़ी अच्छा माइलेज मिलता था, अभी देखना है वही। तो ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो यार लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। फिर मिलेंगे किसी दूसरे ब्लॉग में यार। और एक बात, सभी सब्सक्राइबर को दिल से थैंक यू, हम लोग के फैमिली में 6000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुका है, उसके लिए मैं अपने आप को भी कॉन्ग्रेचुलेसन बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।